नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मिता आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। उस प्रॉब्लम का नाम है एक्जिमा। एक्जिमा क्या है, ये कितने टाइप का होता है, उसका क्या क्या कारण है दोस्तों, क्यों हमें एक्जिमा जैसी बीमारी होती है, और अगर हो जाता है हमें क्या क्या लक्षण सभी देखने को मिलेंगे, और हम ऐसी क्या होम्योपैथिक मेडिसिन ले, ऐसा क्या हम ट्रीटमेंट करें जिससे ये एक्जिमा जैसी बीमारी से परमानेंटली हमें मुक्ति मिल सकती है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए एंड तक। अगर अभी अभी आप मुझसे जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में दिए गए बेल आइकॉन को भी हिट करिए जिससे मेरे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो त्वचा है वो एक प्रोटेक्टर, जैसे हमारा जो सुरक्षा कवच या फिर शील्ड की तरह काम करती है। वो हमारे इंटरनल ऑर्गन को हमारे आउटसाइड जो क्लाइमेट है, जो आउटसाइड एक्सपोजर है, उसमें उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। ये एक कवच है जो इंटरनल ऑर्गन एंड आउटसाइड क्लाइमेट से हमारा ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन हम ऐसी क्या काम करते हैं, ऐसी हम क्या हमारे बॉडी में चेंजेस लाते हैं, ऐसी हम क्या करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो त्वचा है उसमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, खुजली होता है, और ये जो इरिटेशन, ये जो खुजली है, ये एक्जिमा में कन्वर्ट होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन बीमारी आजकल हो रही है दोस्तों। ये इंडिया में लगभग जो 10 मिलियन से ज़्यादा एक्जिमा केस पाए जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन बीमारी है, और ये एक्जिमा हम उसको डर्माटाइटिस भी बोलते हैं। ये क्यों होता है दोस्तों? एक्जिमा जो हमारा त्वचा है उसमें अगर किसी तरह का इरिटेंट होता है, अगर उसमें खुजली होता है, उसमें अगर बहुत खुजली होने के बाद उसमें कुछ ब्लड निकलता है या फिर उसमें कुछ डिस्चार्ज आता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लैकिश दिखता है, और बहुत ज़्यादा स्किन हमारा गंदा दिखता है, तो हम उस कंडीशन को एक्जिमा बोलते हैं या फिर डर्माटाइटिस बोलते हैं। ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है दोस्तों, बच्चों में हो सकता है, इन्फांट्स में हो सकता है, एडल्ट में हो सकता है, ओल्ड एज में हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप में ये हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा देखा गया है जो इन्फांट होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जो बेबीज होते हैं, उनमें एक्जिमा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और ये एक्जिमा जो है, जो इन्फांट एक्जिमा जो रहता है, हम उसको एक्टोपिक डर्माटाइटिस भी बोलते हैं। वो बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, वो एक्जिमा धीरे धीरे उनके बॉडी से चला जाता है, और उनका जो एक्जिमा रहता है उनके फेस में, उनके बॉडी में वो एक्जिमा दिखाई देता है। ये एक क्रॉनिक डिजीज है दोस्तों, ये हमारा त्वचा का डिजीज है। त्वचा अगर बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है तो हमें खुजली होता है, और उसमें फूंसी फोड़े उससे निकलती है, बहुत ज़्यादा हमें खुजली होता है, और उसका कलर चेंज होता है। वो स्किन जिस एरिया में हमें बहुत ज़्यादा खुजली होता है, उस एरिया हमारा मोटा हो जाता है, उसमें कभी पस डिस्चार्ज हो सकता है, या फिर वो पानी पानी स्टिकी पानी जैसा उसमें डिस्चार्ज हो सकता है। बहुत ज़्यादा खुजली होने के वजह से उसमें ब्लीडिंग भी हो सकता है। यही है दोस्तों एक्जिमा। एक्जिमा दो तरह का होता है, एक है हमारा ड्राई एक्जिमा, दूसरा है हमारा वेट एक्जिमा। ड्राई एक्जिमा दोस्तों, ये फुल सूखा सूखा एक्जिमा है, उसमें कोई डिस्चार्ज नहीं होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा खुजली होता है, खुजाते खुजाते उसमें सफ़ेद सफ़ेद पाउडर जैसे उस एरिया से हमें निकलती है, और हमारा स्किन बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, और ये बहुत ही गंदा दिखता है, और हम इसको ड्राई एक्जिमा बोलते हैं क्योंकि उसमें कोई डिस्चार्ज नहीं होता है। और दूसरा है हमारा वेट एक्जिमा। वेट एक्जिमा में क्या होता है, उसमें भी खुजली बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ही ज़्यादा खुजली,
खुजाते खुजाते उसमें वो पपड़ी जैसा उसमें निकलता है और वहां से हमें ब्लड डिस्चार्ज होता है, वाटर डिस्चार्ज होता है, स्टिकी जैसा स्टिकी स्टिकी वाटर वहां से डिस्चार्ज होता है, उसमें पस डिस्चार्ज होता है। अगर डिस्चार्ज रहता है बहुत ज्यादा खुजली होता है, चमड़ा हमारा मोटा हो जाता है और अगर हम उसमें हाथ लगाते हैं तो इमिडिएटली हमारे हाथ में वो स्टिकी स्टिकी डिस्चार्ज निकलता है, तो हम उस कंडीशन को वेट एक्जिमा बोलते हैं। एक्जिमा दोस्तों एक क्रॉनिक डिजीज है, ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमनली दिखाई देता है, उनके गाल पे, उनके बॉडी पे, उनके लेग पे बहुत ज्यादा दिखाई देता है और बड़ों में जो हमारा ईयर के पीछे हो सकता है, नाक के साइड पे हो सकता है, हमारे स्काल्प पे हो सकता है, हमारे हाथ पे हो सकता है, हमारे एंकल जॉइंट में हो सकता है। एक्जिमा हमारे जॉइंट एरिया में ज्यादा दिखाई देता है, हमारा जो एल्बो का जॉइंट है उस एरिया में एक्जिमा दिखाई दे सकता है, हमारा जो नी का पिछले हिस्सा है उस एरिया में जो जॉइंट है वहां पे दिखाई देता है, हमारे एंकल जॉइंट में दिखाई देता है, हमारे पैर में दिखाई देता है और ये एक क्रॉनिक डिजीज है। दोस्तों हम ऐसी क्या करते हैं, ऐसा क्या हमारे बॉडी में चेंजेस होता है, क्यों ऐसा क्या हमारे बॉडी में होता है जिसके वजह से हमें ये क्रॉनिक एक्जिमा जैसी बीमारी, हमारे त्वचा खराब हो जाती है और हमें बहुत ज़्यादा एक्जिमा से ये जो एक्जिमा हमारे बॉडी में आ जाता है। दोस्तों इसका एग्जैक्ट कारण मालूम नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर हमारा जेनेटिक कारण, अगर हमारे मम्मी पापा को या फिर दादा दादी को या फिर नाना नानी को अगर उनको एक्जिमा हुआ है तो हमें एक्जिमा आने की चांसेस है। अगर हेरिडिटरी है, हमारे जेनेटिक है, तो हमें एक्जिमा आने की चांसेस है, लेकिन इसका एग्जैक्ट कॉज मालूम नहीं है। कुछ अगर इरिटेंट को हम एक्सपोज होते हैं, जैसे अगर हम सब्जी काटते हैं, सब्जी का जो पानी होता है, जो डिस्चार्ज होता है सब्जी कट करने के टाइम पे, जो उसमें से जो निकलता है पानी जैसा, तो वो अगर हमारे हाथ में लगता है तो कभी कभार वहां से भी हमें एक्जिमा का डेवलप हो सकता है, वहां से ही हमारा हाथ में खुजली हो सकता है, हमारे हाथ में वो वेजिटेबल कट करने के बाद ड्राइनेस या फिर इचिंग या फिर एक्जिमा वहां से डेवलप हो सकता है, ये अगर हम इरिटेट को एक्सपोज होते हैं। अगर हम ऐसा कुछ लाइक हमेशा जो सोप है, डिटर्जेंट है, उसको हम हमारे हाथ में लगाते हैं तो वहां से भी हमारा हाथ में खुजली हो सकता है, हमारे स्किन में रैसेस आ सकते हैं या फिर हमें एक्जिमा वहां से डेवलप हो सकता है। मेरे पास एक पेशेंट आए थे दोस्तों, वो एक पार्लर में काम करते हैं और उनके हाथ में एक्जिमा था, क्योंकि वो हमेशा वो जो क्रीम है, जो लोशन है, जो वो यूज करते हैं हाथ पे कंटिन्यूसली, वो यूज करने के बाद उनका जो केमिकल उनके स्किन कांटेक्ट में आता है और वो उनको बहुत ज्यादा स्किन को इरिटेट करता था और वो हाथ में उनका एक्जिमा डेवलप हो गया था। तो ये अगर हम क्रीम या लोशन अगर हमारे बॉडी को, हमारे स्किन को सूट नहीं होता है, अगर हम कंटिन्यूअसली उसको टच में रहते हैं, उसमें कंटैक्ट में रहते हैं, तो हमारे स्किन में एक्जिमा डेवलप हो सकता है। अगर हमारा जो हम अगर किसी केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी ऐसी जगह में काम करते हैं जहाँ पे हमें कलर का यूज ज्यादा होता है या फिर केमिकल का यूज ज्यादा होता है, और इस तरह से अगर हम कंटिन्यूअसली काम करते हैं, अगर हमारा त्वचा वहाँ पे कंटिन्यूअसली एक्सपोज होता है, कंटैक्ट में आता है, तो हमारे त्वचा में इरिटेशन होता है, इचिंग होता है और वहां से हमारा एक्जिमा स्टार्ट हो जाता है। अगर हम ऐसी अनजाने में ऐसा कुछ खाना खाते हैं जो हमारे बॉडी में रिएक्शन करता है और हमारे त्वचा में रैसेस डेवलप होता है और उसके बाद खुजली चालू हो जाता है और उसके बाद हमें एक्जिमा डेवलप हो सकता है, हमें फूड के द्वारा भी एक्जिमा हो सकता है। अगर दोस्तों हम बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो तभी भी हमारे स्किन में रैसेस आ सकते हैं और हमें एक्जिमा हो सकता है। अगर हमारा स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहता है, बहुत ही ज्यादा ड्राई रहता है, तो भी हमें एक्जिमा हो सकता है खुजली होने के वजह से।
अगर हम घर में पेट एनिमल्स रखते हैं तो पेट का जो उनका जो हेयर होता है, उनके जो माउथ से जो मुंह से जो लाल आता है, जो डिस्चार्ज होता है, वो अगर हमारे कांटेक्ट में आता है तो तभी भी हमें इरिटेशन हमारे स्किन में हो सकता है और वहाँ से भी हमें एक्जिमा जैसी बीमारी की शुरुआत हो सकती है। या फिर हम अगर हम हमेशा हमें जो एलर्जिक राइनाइटिस रहता है, कोल्ड का हमें पकड़ता है, हमेशा कंटिन्यूअसली हमें एलर्जी रहता है, तो एलर्जी के वजह से भी हमें एक्जिमा डेवलप हो सकता है। या फिर दोस्तों अगर हम आस्थमा में ग्रसित है, या फिर हमें कोई क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है या फिर क्रॉनिक डिजीज है जिससे ठीक करने के लिए हम कुछ स्टीरॉयड का यूज करते हैं या फिर ऐसा कुछ मेडिसिन हम कंटिन्यूसली चलाते हैं, तो अगर हमारा बॉडी रिएक्ट करता है उस मेडिसिन को तो हमारे स्किन में रैसेस आते हैं और हमारे बॉडी में एक्जिमा का डेवलप होता है। ऐसा बहुत सी कारण है दोस्तों, ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई भी स्पेसिफिक कारण नहीं है, बस इसी के वजह से ही आपको एक्जिमा हुआ है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक कारण नहीं है। लेकिन एक्जिमा हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, हमारे स्काल्प में हो सकता है, कान के पीछे हो सकता है, हमारे चेहरे पे हो सकता है, हमारे बॉडी के जहाँ जितने भी फोल्डिंग एरिया है वहाँ पे हमारे एक्जिमा हो सकता है। दोस्तों ये एक क्रॉनिक डिजीज है, बहुत सालों से पेशेंट जो परेशान रहते हैं, हमेशा उनको बहुत ज़्यादा खुजली, बहुत ज़्यादा वो मेडिसिन यूज करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, और कभी कभार तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन वो एप्लीकेशन जब बंद कर देते हैं, मेडिसिन बंद कर देते हैं, फिर वो अगेन वायलेंट फॉर्म में आ जाता है। और एक क्रॉनिक डिजीज है, पेशेंट आते हैं, किसी को 15 साल से एक्जिमा है, किसी को 20 साल से एक्जिमा है, वो कंटिन्यूअसली वो मेडिसिन खाते रहते हैं और ये एक्जिमा ठीक नहीं होता है। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको ऐसी कुछ मेडिसिन बताऊंगी, ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जिससे हमारा जो एक्जिमा है, जो हमें बहुत ज़्यादा खुजली देता है, बहुत ज़्यादा हमें इचिंग होता है, इससे हमें परमानेंटली मुक्ति मिल सकती है। अगर हमें एक्जिमा हो जाता है दोस्तों, तो हमें क्या क्या लक्षण सभी देखने को मिलेंगे। लक्षण में दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा खुजली होगा, वो ड्राई एक्जिमा हो या फिर वेट एक्जिमा हो, खुजली हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। खुजाते खुजाते उसमें अगर ड्राई एक्जिमा है उसमें पाउडर पाउडर निकलेगा, स्किन हमारा सफ़ेद पाउडर जैसा आएगा, या फिर अगर बहुत ज़्यादा खुजली करते हैं तो उसमें ब्लीडिंग आ सकता है, उसमें पिंपल्स जैसा छोटे छोटे दाना आ सकते हैं, और जो फुंसी जैसे छोटे छोटे दाना आ सकते हैं, उसमें डिस्चार्ज हो सकता है, उसमें स्टिकी वाटरी डिस्चार्ज हो सकता है, उसमें ब्लड डिस्चार्ज हो सकता है। बच्चे हमारा जिस पार्ट में एक्जिमा हुआ है वो बहुत ज़्यादा गंदा हमें दिखेगा, उसमें वो जो स्किन है, वो चमड़ा है, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, रफ हो जाएगा, और हमें हमेशा वो इरिटेशन देता रहेगा। किसी किसी को रात को बहुत ज़्यादा खुजली होगा, किसी किसी को वो कपड़े निकालने के बाद उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा खुजली चालू हो जाएगा। तो ये एक्जिमा का यही सभी सिम्टम्स है दोस्तों, और ये एक क्रॉनिक डिजीज है जिसके वजह से इसका जो ग्रोथ है बहुत स्लो रहता है, स्लो स्लो स्लो, और ये स्प्रेड होता है। अगर आपके पैर में एक्जिमा स्टार्ट हुआ है, एंकल जॉइंट में अगर छोटे से फोड़े फुंसी से आपको खुजली होके स्टार्ट हुआ है, वो धीरे धीरे ग्रो करके आपके पैर के ऊपर के हिस्से तक आएगा या फिर आपके पैर तक भी वो स्प्रेड हो जाएगा, लेकिन उसका जो स्प्रेडिंग जो टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। यही है उसका सिम्टम्स दोस्तों। हम इसको कैसे परमानेंटली ठीक करें, मैं आपको कुछ ऐसी मेडिसिन बताऊंगी, आप उस मेडिसिन को आपके सिम्टम्स के हिसाब से लीजिएगा दोस्तों। एक मंथ से लेके दो मंथ के अंदर आपका जितना भी एक्जिमा, जितना भी क्रॉनिक एक्जिमा हो, वो आपको परमानेंटली उसमें मुक्ति मिल सकती है। हमारा पहला मेडिसिन है दोस्तों सल्फर। सल्फर बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, हम एक्जिमा कंडीशन में देते हैं। जितना भी पुराना आपका एक्जिमा हो, सल्फर वो वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। सल्फर केस में क्या होता है दोस्तों, आपको एक्जिमा कंडीशन में बहुत ज़्यादा खुजली रहेगा, आपका जिस एरिया में एक्जिमा है बहुत ज़्यादा आपको खुजली रहेगा, और खुजाते खुजाते जितना आप उसको खुजाएंगे उतना आपको अच्छा फील होगा, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, बहुत अच्छा आपको फील होगा। उसके साथ इतना ज़्यादा आप खुजाएंगे वो आपको
ब्लीडिंग भी आपका उस पार्ट से हो सकता है अगर ये कंडीशन रहता है, या फिर आपको बहुत ज्यादा खुजली होता है और उस एरिया में खुजली होने के साथ आपको बर्निंग फील होता है, ठंडा पानी लगा है तो बहुत ज्यादा आपको खुजली होता है अगर ये कंडीशन रहता है, और खुजाते खुजाते आपको बहुत अच्छा फील होता है, तो आप सल्फर ले सकते हैं दोस्तों। सल्फर 30 आपको वीकली वंस लेना है, वीकली वंस और एवरी वीक में आपको रिपीट करना है सल्फर 30। तो तीन चार वीक अगर एक मंथ तक कंटिन्यूसली लेते हैं तो आपका 70-80% अगर ये सिम्टम्स रहता है आपका हमारा एक्जिमा में, वो आपका 70-80% आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ में आपको सल्फर 200 आपको वीकली वंस लेना है, उसको भी आप तीन चार वीक चलाने के बाद आपका एक्जिमा पूरा तरह से ठीक हो जाएगी और आपका परमानेंटली एक्जिमा, जितने पुराना एक्जिमा हो आपका, वो परमानेंटली ठीक हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों आर्सेनिक। आर्सेनिक एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, हम एक्जिमा कंडीशन में आर्सेनिक को देते हैं। आर्सेनिक में क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा खुजली होगा, आपका जिस एरिया में वो खुजली होगा वहां का एरिया आपको फुल ब्लैक दिखेगा, पूरा काला पड़ गया है इस तरह से आपको दिखेगा, बहुत ज्यादा खुजली होगा, खुजाते खुजाते आपको बर्निंग फील होगा। और उसका पिकुलियर सिम्टम्स है दोस्तों, अगर आप गर्म पानी उसमें डालते हैं तो आपको अच्छा फील होगा। अगर ये सिम्टम्स रहता है आपके एक्जिमा में तो आप आर्सेनिक ले सकते हैं। आर्सेनिक 30 अगर आप दिन में दो बार लेते हैं खाली पेट में, डायरेक्टली अगर लिक्विड फॉर्म में लेते हैं डायरेक्टली अंडर टंग, या फिर ग्लोबुल्स फॉर्म में लेते हैं तो 3-4 गोली दिन में दो बार खाली पेट में अगर लेते हैं, तो एक मंथ से लेकर 2 महीने के अंदर आपका जो भी एक्जिमा का जो ए सिम्टम्स है, ये आपका एक्जिमा जितना भी पुरानी हो 2 महीने के अंदर आपका आर्सेनिक से ठीक हो सकता है। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और आर्सेनिक को आपको 30 पोटेंसी में लेना है दिन में 2 बार। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों रोस्ट्रक्स। रोस्ट्रक्स एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, हम उस रोस्ट्रक्स को कोल्ड कफ फीवर के कंडीशन में भी देते हैं, उसको हम एक्जिमा कंडीशन में भी दे सकते हैं। रोस्ट्रक्स में क्या होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा आपको खुजली होगा, खुजाते खुजाते बहुत ज्यादा खुजली होने के साथ आपको ब्लीडिंग आएगा, आपको पिंपल जैसा थोड़ा थोड़ा उसमें फोड़े फुंसी जैसे आपके रैसेस आएंगे, बहुत ज्यादा आपको खुजली होगा, उसमें थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज होगा, और आपको जो रेन सीजन में आपका खुजली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और जब सीजन चेंज होगा, सीजन क्लियर हो जाएगा, आपका क्लाइमेट क्लियर हो जाएगा, तो आपका एक्जिमा भी क्योर हो जाएगा। अगर ये सिम्टम्स रहता है तो आप रोस्ट्रक्स ले सकते हैं, और जहाँ पे आप ज्यादा खुजली होता है उस एरिया आप बहुत ज्यादा आपको लाल दिखेगा और उसमें थोड़ा थोड़ा पिंपल्स जैसा वो रैसेस दाने से भी आएंगे। अगर ये सिम्टम्स रहता है तो आप रोस्ट्रक्स ले सकते हैं, आपके रेनी सीजन में आपका जो खुजली है, जो एक्जिमा का जो सिम्टम्स है वो बढ़ जाता है, और क्लाइमेट अगर ठीक हो जाता है, वो आपको अच्छा फील होता है, आपका एक्जिमा क्योर हो जाता है, तो इस कंडीशन में रोस्ट्रक्स बहुत अच्छा काम करता है। रोस्ट्रक्स को अगर 30 अगर आप दिन में 2 बार लेते हैं खाली पेट में डायरेक्टली अंडर टंग, या फिर ग्लोबुल्स फॉर्म में 3-4 गोली अगर आप लेते हैं, तो आपको परमानेंटली एक्जिमा का इस कंडीशन में मुक्ति सकती है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों, हम उसको ड्राई एक्जिमा में देते हैं, वो बहुत ज्यादा आपको खुजली करेगा, बहुत ज्यादा इचिंग होगा, जब इचिंग होता है बहुत ज्यादा तो आपको वहां से पाउडर पाउडर जैसा व्हाइट व्हाइट सफेद पाउडर आपका स्किन से निकलेगा, आपका स्किन बहुत ज्यादा मोटा दिखेगा, बहुत ही ज्यादा गंदा दिखेगा। अगर ये कंडीशन रहता है तो आप पेट्रोलियम लीजिएगा। पेट्रोलियम 200 अगर आप दिन में 2 बार लेते हैं खाली पेट में डायरेक्टली ऑन द टंग, या फिर ग्लोबुल्स फॉर्म में लेते हैं तो 3-4 गोली दिन में 2 बार खाली पेट में अगर लेते हैं, तो एक्जिमा का जो ये तरह का सिम्टम्स है आपको परमानेंटली मुक्ति मिल सकती है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों ग्राफाइटिस। ग्राफाइटिस को हम बोथ ड्राई एंड वेट एक्जिमा में दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा वेट एक्जिमा में काम करता है, बहुत ज्यादा आपको खुजली होगा। ग्राफाइटिस का एक्जिमा क्या है दोस्तों, वो फोल्डिंग एरिया में आएगा, कान के साइड के एरिया में हो सकता है, नाक के साइड पे हो सकता है, आपके स्काल्प में हो सकता है, आपके एल्बो जॉइंट में हो सकता है, जॉइंट एरिया में आपको
अगर एक्जिमा रहता है उसमें बहुत ज्यादा खुजली रहता है, उसमें स्टिकी स्टिकी पानी या फिर ब्लॉडी या फिर पस डिस्चार्ज होता है, तो ग्राफाइटिस बहुत ही अच्छा काम करता है। ग्राफाइटिस 30 अगर दिन में आप दो बार लेते हैं खाली पेट में डायरेक्टली ऑन द टंग या फिर ग्लोबिल स्पर्म में अगर लेते हैं, तो आपको एक्जिमा के इस कंडीशन में आपको परमानेंटली मुक्ति मिल सकती है। ये कुछ मेडिसिन मैंने आपके साथ शेयर किया दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। ये सभी मेडिसिन आप अपने सिम्टम्स के हिसाब से लीजिए, जितना डोज मैंने बोला है आप उतना ही लीजिए। अगर बच्चे हैं तो बच्चे के लिए भी डोज सेम है, 3 से 4 गोली डायरेक्टली ले सकते हैं खाली पेट में, या फिर थोड़े से इन्फंट है तो अगर आप लिक्विड फॉर्म में देना चाहते हैं तो उनको थोड़े से पानी में मिक्स करके 1-2 ड्रॉप्स तो उनको दे सकते हैं। ये कुछ मेडिसिन मैंने आपके साथ शेयर किया दोस्तों, और अगर आप थोड़ा हाइजीन मेंटेन करते हैं या फिर अगर आप जो आपको इरिटेंट जो है, जैसे आप किसी केमिकल आप जो डिटर्जेंट है जो सोप है अगर आप उसमें कांटेक्ट में आते हैं आपका एक्जिमा बढ़ता है तो आप उसको अवॉइड करिए। अगर आप हाथ में ग्लोव्स लगा के अपने कपड़े को बर्तन को क्लीन करिए। आप अगर सब्जी काटते हैं तो सब्जी को काटने के टाइम पे भी आप अपना लगाइए ग्लोव्स लगाइए, क्योंकि कभी कभार वो सब्जी का जो डिस्चार्ज होता है उससे भी आपको एक्जिमा हो सकता है। आपको जो स्किन है उसको ड्राई मत होने दीजिए दोस्तों, जितना हमारा स्किन ड्राई रहेगा एक्जिमा बहुत दिन तक वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो हमेशा हमारे स्किन को मॉइस्चराइज रखिए, उसमें नॉर्मल हमारा कोकोनट ऑयल का एप्लीकेशन करिए दोस्तों। कोकोनट ऑयल 3 से 4 बार दिन भर में आप सर से लेके पांव तक आप लगाइए, जिससे आपका स्किन बहुत ज्यादा मॉइस्चर होके रहेगा, आप स्किन ड्राई नहीं रहेगा और आपको खुजली नहीं होगा। कोकोनट ऑयल का एप्लीकेशन करिए, केमिकल से थोड़ा दूर रहिए, पानी सफिशियंट पीजिए दोस्तों, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अच्छी तरह से खाइए, और आपके अगर एक्जिमा हो गया है तो मेरे बताए हुए आप मेडिसिन ले सकते हैं, आपको परमानेंटली एक्जिमा से मुक्ति मिल सकती है। अगर कुछ दूसरा सिम्टम्स है दोस्तों तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है, या फिर आप अपने नजदीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलिए। आपका परमानेंटली आपका जो एक्जिमा का जो भी कंप्लेन है, जितने साल से आप एक्जिमा से जूझ रहे हैं, आपको परमानेंटली उससे मुक्ति मिल सकती है। आशा करती हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे मेरे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह से नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए ईट हेल्दी स्टे हेल्दी, थैंक यू।